A2 के एजेंडे का जो ISA का एजेंडा है उसके अंदर वे चलकर वे सिखों को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर सिखों को बदनाम करेगा तो सिख उसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए सीधी सीधी बात है, राहुल गांधी एक बड़े षडयंत्र का हिस्सा है जो कि देश को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती से सब कर रहे हैं। वो विदेशी धरती से ये सब कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैंने कल कहा था कि यही बयान अलगाववादी यूज करेंगे। आज खालिद चौधरी ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि भारत के अंदर सिखों को दिक्कत है, अब वह पूरी तय उम्र इस बात को कहेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन सिखों के बारे में ये कह रहे थे। इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने तब दिया था जब कश्मीर में 375 से हटाया गया था, और उस बयान का उपयोग इमरान खान ने UN में किया था। वह लगातार आज वह ऐलान उमर से मिले हैं जो कि भारत विरोधी है। ये ISA का एजेंडा है, K2 का एजेंडा है। हमें अफसोस है कि राहुल गांधी उस K2 के एजेंडे का जो ISA का एजेंडा है उसके अंदर वह चलकर वह सिखों को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर सिखों को बदनाम करेगा तो सिख उसको छोड़ेंगे नहीं। आज राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ दिल्ली का हर एक सिख उसके विरोध में आया है। पगड़ी का अपमान, कड़े का अपमान, जो हमारे गुरुओं ने 5 चीजें हमें दी है उसका अपमान नहीं सहेंगे। राहुल गांधी हाय हाय। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी इटली के अंदर पगड़ी बैन थी, सरकार भी इनकी था, प्रधानमंत्री भी इनका था, ये तब भी पगड़ी पर बैन नहीं हटवाए। बैन तब हटा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद आई, तो 1947 में जब इन्होंने विभाजन विभीषिका करा तब भी सिखों के साथ इन्होंने कत्लेआम करा। इतिहास गवाह कि ये गद्दार हैं। राहुल गांधी उस K2 के एजेंडे का जो ISA का एजेंडा है उसके अंदर वह चलकर वह सिखों को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर सिखों को बदनाम करेगा तो सिख उसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए सीधी सीधी बात है, राहुल गांधी एक बड़े षडयंत्र का हिस्सा है जो कि देश को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती से सब कर रहे हैं। वो विदेशी धरती से ये सब कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैंने कल कहा था कि यही बयान अलगाववादी यूज करेंगे। आज खालिद चौधरी ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि भारत के अंदर सिखों को दिक्कत है, अब वह पूरी तय उम्र इस बात को कहेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन सिखों के बारे में ये कह रहे थे। इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने तब दिया था जब कश्मीर में 375 से हटाया गया था, और उस बयान का उपयोग इमरान खान ने UN में किया था। वह लगातार आज वह ऐलान उमर से मिले हैं जो कि भारत विरोधी है। ये ISA का एजेंडा है, K2 का एजेंडा है। हमें अफसोस है कि राहुल गांधी उस K2 के एजेंडे का जो ISA का एजेंडा है उसके अंदर वह चलकर वह सिखों को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर सिखों को बदनाम करेगा तो सिख उसको छोड़ेंगे नहीं। आज राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ दिल्ली का हर एक सिख उसके विरोध में आया है।
पगड़ी का अपमान, कड़े का अपमान, जो हमारे गुरुओं ने पांच चीजें हमें दी है उसका अपमान नहीं सहेंगे। राहुल गांधी हाय हाय। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी इटली के अंदर, पगड़ी बैन थी, सरकार भी इनकी था, प्रधानमंत्री भी इनका था, ये तब भी पगड़ी पर बैन नहीं हटवाए। बैन तब हटा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद आई, तो 1947 में जब इन्होंने विभाजन विभीषिका करा तब भी सिखों के साथ इन्होंने कत्लेआम करा। इतिहास गवाह है कि ये गद्दार हैं।